हेलो गाइस होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू वी पी मंत्रा गाइज फार्मा जगत शुरू से ही मानव जाति की सेवा करते आ रहा है लेकिन कोरोना काल में पहली बार फार्मा जगत की ताकत का लोहा दुनिया ने माना भारत में टोटल साढ़े तीन हज़ार रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि ग्यारह हज़ार से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ संचालन कर रही है ट्वेंटी फोर सेवन बिना रुके बिना थके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दैट इज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन तो इस वीडियो के माध्यम से, से जानेंगे की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन की वो सारे एंगल्स एंड प्रोस्पेक्ट्स जो आप कैरियर बिल्डअप करने के लिए जानना चाहते हैं तो लेट्स बिगिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली चार यूनिट्स होती हैं दैट इज सॉलिड्स सेमी सॉलिड्स लिक्विड्स एंड पैकेजिंग पांचवी यूनिट भी होती है स्टराइल सेक्शन यानी कि पेरेंट्रल यानी कि इंजेक्शन प्रिपरेशन पर मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया क्यों क्योंकि हर कंपनी स्टराइल प्रोडक्शन यूनिट नहीं लगाती पर 99 परसेंट कंपनीज में ये चार डिवीजन तो होते ही हैं अगर आप बोलेंगे तो फिर स्ट्राइल सेक्शन के ऊपर मैं एक अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर के आऊँगा अब सॉलिड्स का मतलब ये हो गया कि टैबलेट कैप्सूल पाउडर्स एक्सेट्रा जितना डिवीजन है वो एक सेक्शन है सेमी सॉलिड का मतलब जिसमें क्रीम ऑइनमेंट जेल ये अलग सेक्शन है लिक्विड की बात करें तो सीरप सस्पेंशन इमल्शन लोशन ये एक अलग सेक्शन है ये सारे सेक्शन पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली एक पर्सनल किट टीम के द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं मतलब जो टीम जो पर्सनल्स सॉलिड सेक्शन को डील करेंगे वो लिक्विड सेक्शन में नहीं जाते जो लिक्विड डील करेंगे वो सॉलिड में नहीं जाते शिफ्ट वाइज रोटेशन होता है पर पर्टिकुलर टीम एक्सक्लूसिवली डेजिग्नेटेड होती है एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सारा प्रोडक्शन सारा प्रोडक्शन प्लांट या फिर प्रोडक्शन यूनिट बैच वाइज के इस स्टाइल में ही काम करता है बैच का साइज और प्रोडक्शन बेसिकली निर्भर करता है प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड के हिसाब से जैसे पर्टिकुलर कंपनी है एफ उसका बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉल या फिर क्रोसिन ये मार्केट में बहुत चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं इसलिए इनका प्रोडक्शन निरंतर जारी रहता है अभी हाल ही में कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत डिमांड बढ़ गई थी तो रेमडेसिविर हेट्रो एंड सिप्ला के द्वारा एक कंटिन्यूस बैच में प्रोडक्शन होने लगा मतलब ये कि हर पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में रोटेट होते हैं उनकी जैसी डिमांड आती है उसके हिसाब से ही बैच का साइज तय होता है बैच मतलब अगर हम टैबलेट की बात करें तो 10 लाख टैबलेट 20 लाख टैबलेट 50 लाख टैबलेट ऐसे करके छोटे छोटे बैचेस होते हैं जिनके लिए एक टीम बनाई जाती है और उस बैच को स्टार्ट टू फिनिश का काम वो लोग काम कराइट्स की बात करें तो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो शिफ्ट वाइज रोटेशन बेसिस पे काम करता है हर एक पर्टिकुलर शिफ्ट आठ घंटे की होती है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ज्वाइन किया तो आपकी पहली शिफ्ट होगी दस सुबह दस से शाम के छः अगले हफ्ते अगर रोटेट होती है तो हो सकता है शाम के छः से रात के दो तक तो आठ घंटे की एक स्टैंडर्ड शिफ्ट होती है नंबर दो ये कि अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में स्टार्टिंग फ्रेशर सैलरी एट से लेकर के फोर्टीन होती है ये थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड और वेरिड इसली है क्योंकि डिपेंड करता है कंपनी के क्लास उसकी मार्केट में प्रोडक्ट रेंज एंड लेवल ऑफ द कंपनी के ऊपर अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है उसका एक प्रोडक्शन यूनिट बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि आप स्टार्टिंग सैलरी फोर्टीन तो से भी हो नंबर तीन ये कि प्रोडक्शन में जॉब अप्लाई करने के लिए बी फार्मा एंड डी फार्मा इज ऑल गुड देर इज नो सच इशू अब आते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के प्रॉस पॉइंट्स यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर जिसमें नंबर वन ये है कि फ्रेशर्स के लिए एक बहुत अच्छा एरिया है अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है बहुत नंबर ऑफ़ कॉलेजेस आ गए हैं सालाना बहुत हैवी क्वांटिटी में स्टूडेंट पास आउट होते हैं इस स्थिति में मैक्सिमम सेक्टर्स का जो फिल्टर बैरियर होता है बहुत ज़्यादा होता है और या फिर वो लोग एक्सपीरियंस का एक पर्टिकुलर टैग लगा देते हैं जिसकी वजह से फ्रेशर्स को बहुत प्रॉब्लम जाती है लेकिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन यूनिट हमेशा फ़्रेशर्स को वेलकम करने में कभी पीछे नहीं हटता तो आप एक फ्रेशर का अपना टैग हटाने के लिए बहुत अच्छी तरह से अपनी अपॉर्चुनिटी को तलाश कर सकते हैं नंबर दो ये कि अंडर वन रूफ ये कहने का मतलब है कि मेरा एक पिछला वीडियो था फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के बारे में जिसमें आप सब लोग ने बहुत सारे कमेंट करके मेरे एक सपोर्ट भी किया और बताया भी कि यस सर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग हर किसी की बस की बात नहीं क्योंकि वो टूरिंग जॉब है काफ़ी फिजिकल हैक्टिक होता है तो फिजिकल हैक्टिक और जो स्ट्रेस है वो प्रोडक्शन में भी होगा लेकिन काम अंडर वन रूफ होगा आपको एक ही जगह जाना है आपकी स्टैंडर्ड शिफ्ट होगी बस आपको काम करना है वापस आ जाना है आपको ज़्यादा वैसा पर्टिकुलर प्रेशर नहीं लेना है एक पर्टिकुलर डिवीजन पे आपको डेजिग्नेट किया जाएगा वहीं आपको काम करना है तो मीन्स अंडर वन रूफ इट्स लाइक अ जॉब नंबर तीन ये कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन यूनिट पूरे कंपनी की जान होती है अगर प्रोडक्शन है तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स उसके सपोर्ट में होते हैं आप किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में देखें देखेंगे तो क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग एट्सट्रा एच आर ये सारे डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के सपोर्ट में होते हैं और अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन नहीं तो ये सारे डिपार्टमेंट भी नहीं इसीलिए अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन का स्टार्टिंग से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन ही सब कुछ कोर है क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन को अश्योर करेगा कि क्वालिटी अच्छी है क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि जो भी दवाओं का निर्माण हो रहा है उसको टेस्ट लगाना कि प्रॉपरली जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन का अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं तो इन सारे सेक्टर्स में भी आप इजिली अपना आगे करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने ज़्यादा एम्फोसाइज इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली फार्म क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल में जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें क्वालिटी एश्योरेंस काफ़ी काफ़ी लुभावना लगता है क्योंकि वो वाइट कॉलर जॉब ऑफिस जॉब है आपको ऑफिस में बैठना है अपना आपका चैम्बर है केबिन है सिस्टम है दस से पाँच की शिफ्ट है आ जाना है लेकिन ऐसा कभी ना करें क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि क्यूए प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है तो अगर आपको क्यूए में अच्छा प्ले करना है आग काफ़ी आगे तक ग्रो करना है तो आपको प्रोडक्शन का बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसलिए प्रोडक्शन में अपना अच्छा एक्सपीरियंस गेन करके आप क्यूए जैसे सोफेस्टिकेटेड डिपार्टमेंट भी अपना करियर बना सकते हैं जैसा कि वी पी ने हमेशा हर एक पर्टिकुलर सेक्टर के दोनों ही सेक्शंस को रिवील किया है तो इसी तरह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन की अब आते हैं कॉन्स के ऊपर मतलब नेगेटिव साइड के ऊपर जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा है वो जो कॉन्स है वो है सैलरी जैसा कि मैंने अभी भी वीडियो में बताया कि स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर की एट होती है तो ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए एक बी फार्मा कैंडिडेट दैट इज़ बैचलर ऑफ फार्मेसी कैंडिडेट बिल्कुल आइडियल होता है और बी फार्मा के इस चार साल की कड़ी मेहनत टाइम और पैसा खर्च करने के बाद वो कैंडिडेट थोड़ा एक्सपेक्ट करता है कि उसकी सैलरी कम से कम थोड़ी अच्छी हो क्योंकि एट बहुत कम होता है लेकिन ये सैलरी कम होती है उसका कारण ये ये होता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के अंदर जनरली कंपनीज दूसरे जो एजुकेशन के पर्सनस हैं जैसे बीएससी वगैरह उनसे बहुत कम में बहुत कम सैलरी में उनसे काम करवा लेती है जिसकी वजह से रेट एकदम डाउन हो जाता है और बी फार्मा कैंडिडेट को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इसी से जुड़ा है कौंस नंबर टू वो ये कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के अंदर जो काम होता है वो एकदम कन्वेंशनल बेसिस पर होता है मतलब जो काम आज से 10 साल पहले उस प्रोडक्शन यूनिट में चल रहा है वो आज भी हो रहा है सेम मशीन्स सेम पर्सनल्स सेम शिफ्ट सेम रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग सेम हैंडलिंग सब कुछ वही का वही नथिंग इनोवेटिव कुछ भी इनोवेटिव नहीं है इसलिए डिग्री इस्तेमाल करने का उसको एक्सप्लोर करने का उतना मौका नहीं मिल पाता अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर किसी डिपार्टमेंट में सेट हो गया तो सालों साल वो आसानी से उस पर काम कर सकता है और इसलिए नए की जरूरत नहीं पड़ती ताकि कोई नया स्किल ला करके वो अपनी कैपेबिलिटी को दिखा सके और इसीलिए अगर वो सेट हुआ पर्सन कम एजुकेशन का है तो फिर वो कभी भी अपनी इंक्रीमेंट की सैलरी की ज़्यादा डिमांड भी नहीं करेगा इसके लिए कंपनी को भी मुनाफा हो जाता है और इसी वजह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के अंदर जो इंक्रीमेंट पॉलिसी है वो थोड़ी स्लो होती है नंबर तीन वो है फिजिकल स्ट्रेस जैसा कि मैंने बताया कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन शिफ्ट बेस रोटेशन बेस पे काम करता है और रोटेशन वहाँ की एक मैंडेटरी पॉलिसी है मतलब अगर आप प्रोडक्शन के अंदर होते हैं तो शिफ्ट रोटेशन का हिस्सा को एक्सेप्ट करते हुए आपको उसे अपनाना पड़ेगा मतलब ये कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आपकी पहली शिफ्ट डे हो और हो सकता है कि दूसरी शिफ्ट नाइट हो यानी कि हो सकता है कि सुबह दस से लेकर शाम के छः बजे तक आपकी स्टैंडर्ड शिफ्ट हो लेकिन हो सकता है अगले हफ्ते आपकी रात के दस बजे से सुबह के छः बजे तक हो और इस पर्टिकुलर शिफ्ट रोटेशन सिस्टम को हर पर्सन की बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो ये भी एक उसका सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो तो ये थी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन की अनसीन अनटोल्ड बातें आपकी कोई भी क्वेरी कोई भी सजेशन हो कमेंट जरूर करिएगा आई विल आंसर इंस्टाग्राम पर वीपी मंत्रा को फॉलो करना नहीं भूलना फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है वीपी मंत्रा उसको भी लाइक करना हम बहुत सारी चीजें वहां पर भी डिस्कस कर सकते हैं सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे मोटिवेटेड वर्क स्मार्टर एंड गुड लक